ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने 38 दिनों में ही तीन बड़ी कार्यवाही की है, जिसके तहत नेपा नगर नागरिक साख सहकारी समिति के पदाधिकारियों से 8 करोड़ की वसूली सहित फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कलेक्टर भव्या मित्तल पदभार संभालने के बाद विकास समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कर रही है, साथ ही विभागीय कार्यों की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। कलेक्टर के निर्देश पर नेपा नगर नागरिक साख सहकारी समिति के अमानतदारों ने 8 करोड़ समिति के पदाधिकारियों से वसूलने, फर्जी दस्तावेज बनाने और वित्तीय अनियमितता बरतने वाले सहायक ग्रेड 2 पर FIR कर मामले की विवेचना जारी है। दिनों से कुछ ऐसे मामले मेरे संज्ञान में आ रहे हैं जिसमें शिकायत कई महीनों से लंबित थी। ऐसा ही प्रकरण एक नागरिक साख सहकारी समिति नेपा नगर के संबंध में है, जिसमें अमानदारों द्वारा ये शिकायत की गई है कि उनकी अमानत राशि समिति द्वारा वापस नहीं की गई है। इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को आदेशित किया गया था कि वो जांच करे। उनके जांच में समिति द्वारा पूर्व में सहयोग नहीं किया जा रहा था, उनको आदेशित करने पर उन्होंने सहयोग भी किया है और दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं, और पिछले 5 वर्षों के दस्तावेज को देखते हुए ऑडिट करते हुए जो टीम गठित हुई थी उस टीम के द्वारा जांच पूर्ण करके कल नेपा नगर थाने में एक FIR दर्ज की है। ये अपराध में ये संज्ञान में आया है कि करीबन 16 लोग हैं जिन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की थी और 8.5 करोड़ से भी अधिक राशि की इसमें अनियमितताएं प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर अनियमितता MPB के बिल्स को लेके ही थी कि जो MPB की राशि वसूली की गई थी वह कैश में रूप में वसूली करके उसको खाते में दर्ज नहीं कराया गया था। ऐसी ही कई अनियमितताएं सामने आई हैं, उन सभी प्रकरणों को इकट्ठा करते हुए एक FIR दर्ज हुई है। पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, उसमें भी हमने कार्रवाई की है। जैसे एक बख्शीश का मामला सामने आया है जिसमें कुछ लैंड माफिया, रियल एस्टेट एजेंट, वकील सम्मिलित थे, जिसमें भी तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की गई है और तहसीलदार द्वारा जो उनके नाम पे फर्जी दस्तावेज दिखाकर नामांतरण करने की कोशिश की गई थी, ऐसे सभी प्रकरणों में सारे नामांतरण निरस्त करते हुए अपराध का भी पंजीयन किया गया है। ऐसा ही एक मामला ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी आया था जिसमें भी हमने शिकायत जो 2 वर्षों से भी अधिक से चल रही थी उस पर कार्रवाई की है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।